हमेशा अपने आप में खुश रहें, दूसरों की मदद करें। और जब आप किसी का नमक हल्का सा भी खा लेना तो उसका एहसान आप पे रह जाता है। अगर लोग मुझे फॉलो भी करते हैं तो मैं ज़्यादा बॉदर नहीं करती। एक दफ़ा वाघा बॉर्डर जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी, मोहब्बत नहीं, वो तो मुझे कुछ और ही लग रहा था, कोई इधर से खींच रहा कोई इधर से। आजकल इतने एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स है, कोई भी आउटर खूबसूरती तो ले ही सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लितल चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की मिस यूनिवर्स ब्यूटीफुल पाकिस्तान, कहने का मतलब ये कि पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन लड़की, जो दो साल पहले भी स्लिम स्मार्ट और खूबसूरत स्माइलिंग फेस के साथ थी और आज भी जो कि तू हैं, लेकिन अवार्ड दर पे दर वो जो है वो जीती जा रही हैं। इनसे बात करते हैं और राज पूछते हैं कि कौन सा गुर, कौन सी गिद्दर सिंगी उन्होंने अपने पास रखी हुई है कि हर साल एक अवार्ड, कभी तुर्की से, कभी कंबोडिया से, और अभी एक और आने वाला साउथ अफ्रीका से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहिबा, क्या गिद्दर सिंगी है आपके पास, जरा हमारे नाज़रीन को भी बताएं। मेरे ऊपर खुदा की स्पेशल ब्लेसिंग है, बस गिद्दर सिंगी नहीं है। किस तरह खुदा की ब्लेसिंग आपने किस तरह से हासिल किया है, हमें भी बताएं ताकि बाकी नाज़रीन भी हासिल कर सकें। एक तो खूबसूरती भी बरकरार रहे और जो है ना वो बारिश नवाजशात की जो है वो भी चलती रहे। जी बस आप हमेशा अपने आप में खुश रहें, दूसरों की मदद करें। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो खुदा आपकी मदद खुद ही कर देता है और आपके लिए रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। वो तो आपकी बात ठीक है, दूसरों की मदद करने में खुशी तो मिलती है, लेकिन बाद में कुछ लोग जो है ना वो जब एहसान फरमोशी की तरफ जाते हैं तो फिर बड़ा दुख होता है, और कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा आपसे चीज़ें भी गेन कर लेते हैं, आपसे फैसिलिटेशन भी ले लेते हैं और बाद में कहते हैं हम तो जानते ही नहीं। जी ऐसा होता है, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मैं आप तो नहीं है, लेकिन हमारी कौम के बहुत लोग जी नो डाउट हमारी कौम के ऐसे लोग हैं। मैं उन लोगों को भी यही मशवरा देती हूँ कि जब आप किसी का नमक हल्का सा भी खा लेना तो उसका एहसान आप पे रह जाता है, और कभी भी एहसान फरामोशी नहीं करनी चाहिए, हमेशा हेल्पफुल रहना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। आई बिलीव कि जब आप लोगों की मदद करते हैं तो खुदा आपके लिए रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं और आपने वो सोचा भी नहीं होता जो कि आपकी ज़िंदगी में होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल जी, रास्ते खुल जाते हैं और सोचा भी नहीं होता कि आपने जो आपको मिल जाता है। अच्छा, आप कोई ख़ास ऐसी प्रैक्टिस करती हैं, खिदमत करती हैं या हॉली बुक रीड करती हैं, क्या वजीफ़ा करती हैं, मैं फिर से पूछना चाहूँगा। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस दूसरों की मदद करती हूँ जितना हो सकता है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दूसरों के लिए बरकत का और मदद का वसीला बनूँ, तो मेरे लिए ऐसे रास्ते खुलते हैं, मुझे खुद नहीं पता होता कि मेरे लिए कैसे कैसे चीज़ें खुल जाती हैं। और मैं अपने जितने भी मेरे फ़ैन्स हैं, मैं उनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे सपोर्ट करते हैं, और मैं अगर इस मकाम पर हूँ तो मेरी फैमिली और मेरे फ़ैन्स की वजह से हूँ। अच्छा मैम, फ़ैन्स वाकई बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, फैमिली की अपनी एक मदद होती है, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि वो खूबसूरत एक्टर हों या एक्ट्रेसेस हों या जिस तरह आपकी एक कम्युनिटी है, तो जो मेल है तो उसके पीछे फीमेल्स बहुत ज़्यादा पड़ जाती हैं, और अगर फीमेल है तो मर्द तो फिर वैसे ही पीछे होते हैं। तो आपके साथ कोई ऐसा खुशगवार वाकया है जो बड़ा ही यूनिक हो? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं है। अगर लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा चिपकू लोग हर किसी की ज़िंदगी में होते हैं, अगर लोग मुझे फॉलो भी करते हैं तो मैं ज़्यादा बॉदर नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसी आदत नहीं है कि मैं किसी को यू नो ट्रक की लाइट के पीछे लगाऊं या किसी को गलत उम्मीदें दूं, तो मैं ऐसे किसी में इन्वॉल्व नहीं होती हूँ। कोई ऐसा किसी, आप जिस तरह अक्सर आप मुख्तलिफ कम्युनिटी सेंटर्स में जाती हैं, एजुकेशन सेंटर्स में, स्पोर्ट्स के, वाघा बॉर्डर भी, तो वहाँ पर कोई फ़ैन आ गया हो और बड़ी ज़बरदस्त सेल्फी ली हो, या ऐसा खुशगवार वाकया जो आपको कि यार ऐसा वाकया में सर कभी नहीं हुआ और बड़ा अच्छा वाकया रहा? नहीं, अच्छा तो नहीं, बुरा वाकया लाजमी हुआ है मेरे साथ। एक दफ़ा वाघा बॉर्डर जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, मुझे पाकिस्तान आर्मी ने मुझे इनवाइट किया था, तब जब मैं मिस पाकिस्तान अभी फ्रेशली ही बनी थी, तो एक टाइम आया था दो कि उन्होंने मेरे साथ अपना एक गार्ड रखा हुआ था कि आपने इनके साथ ही रहना है, तो वो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, तो एकदम इतनी आवाम मेरे ऊपर आ गई, मुझे समझ नहीं आ रही थी, लोग मेरा हाथ पकड़ पकड़ के मुझे खींच रहे थे हमारे साथ सेल्फी लो हमारे साथ, और मुझे उस टाइम समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है यहाँ पे, लेकिन शुक्र है कि वो एंड मोमेंट पे आ गया था वो बंदा। एंड मोमेंट पे आ गया था, फैंस ने जो है ना वो मोहब्बत आपको? जी जी, मोहब्बत नहीं, वो तो मुझे कुछ और ही लग रहा था, कोई इधर से खींच रहा कोई इधर से, लिटरली मेरा मुंह ऐसे कर रहे हैं सेल्फी हमारे साथ, मैं हैरान, मैंने कहा। और आपको पता है वाघा बॉर्डर पे आवाम भी कैसी होती है, और मतलब इतने लोग एकदम झरबट्टा मार के मेरे ऊपर, गाँव के लोग आए जी, ऐसे एग्जैक्टली ये हुआ था। अच्छा मैम,
आप माशाल्लाह अभी अफ्रीका जा रही हैं, तो आप यानी कितने अवार्ड हासिल कर रही हैं, कितने का अवार्ड हासिल करने चाहती क्या? मैं ये चाहती हूँ कि जितना हो सके मैं करूँ, ताकि मैं पाकिस्तान की जो नाम है वो कोने दुनिया के कोने कोने तक रोशन करूँ कि पाकिस्तान की एक लड़की आई थी और उसने टाइटल विन किया है। अच्छा मैम, आपने शादी अभी तक नहीं की, क्या ख्याल है? शादी हो जानी चाहिए ताकि जो है ना वो आपकी बरकतें भी थोड़ा डिवाइड हों और किसी का घर भी बस जाए, और फिर जो ये इस तरह के फैन झपटी मारते हैं और झपटते हैं वो भी थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए। जी डेफिनेटली मेरा प्लान है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर या नेक्स्ट ईयर मैं शादी कर लूँगी, मेरी फैमिली देख रही है और होपफुली जैसे खुदा को मंजूर हुआ वैसे ही होगा। किस तरह का लड़का चाहती हैं? लड़का अच्छा हो, लॉयल हो, सिंसियर हो, ऑनेस्ट हो, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं चाहती। मैम एक बात याद आ रही है अंदर, जी जी मैम, दो साल से सिंसियर और लॉयल तो मैं भी बहुत हूँ। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। जी जी आपको भी जरूर अच्छी लड़की मिलेगी इंशाल्लाह ताला, आपकी दुआओं से, आपकी तरह कोई खूबसूरत जो है वो दिल की खूबसूरत हो, चेहरे की खूबसूरती तो आती जाती रहती लेकिन दिल का खूबसूरत होना, दिल का मेरे लिए ज्यादा मैटर भी ये करता है कि इंसान की इनर खूबसूरती ज्यादा मैटर करती है एज कम्पेयर टू आउटर खूबसूरती। आउटर खूबसूरती तो आजकल इतने एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स है, कोई भी आउटर खूबसूरती तो ले ही सकता है। हमारी जो एक्ट्रेसेस हैं अगर वो इस तरफ आना चाहें जी, लेकिन वो थोड़ा हेल्दी हैं, तो क्या उनको भी अवार्ड मिल जाएंगे या वो कोशिश करते हैं? जी जब भी आप किसी चीज़ की कोशिश करते हो या आप किसी चीज़ के पीछे लग जाते हो तो डेफिनेटली आप वो चीज़ अचीव करके रहते हो, और मेरा तो स्ट्रांगली ये बिलीव है कि जब जो आपके गोल्स हैं उनको हमेशा अचीव करना चाहिए। जब लास्ट मैसेज दीजिएगा हमारी पब्लिक को कि आपके लिए दुआओं के अलावा आपको किस तरह से सपोर्ट? मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि जैसा कि मैं अब ऑफिशियली मैंने अनाउंस कर दिया हुआ है कि मैं अपना क्लिनिक बनाना चाह रही हूँ, तो जो डॉक्टर्स जो मेरे साथ कोलैबोरेट करना चाह रहे हैं या जो भी बिजनेसमैन जो मेरे साथ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे साथ आएँ ताकि हम एक बड़ा रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाएँ और जो लोग इलाज नहीं करवा सकते या जो लोग गुर्बत की वजह से मर रहे हैं हम उनके लिए कुछ ना कुछ लाजमी कर सकें। बिल्कुल जी, जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बिज़नेस सेंटर के अंदर, रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर, आवाम उन्नास की खिदमत करना चाहते हैं ताकि जो है वो लोग इस तकलीफ व कर्ब में ना गुजरें, वो डॉक्टर साहब से ज़रूर कांटेक्ट करें, और हमारा मीडिया जो है स्पेशली डिजिटल मीडिया वो आपको पूरी तरह सपोर्ट करेगा, जहाँ जहाँ आपको कवरेज चाहिए होगी वो पहुँच जाएंगे। हमें अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।